गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में उग्रवाद एवं अपराध पर नियंत्रण की दिशा को लेकर गुमला जिला एसपी एहतिशाम वकारिब ने चैनपुर अनुमंडल का दौरा किया, जिसमें चैनपुर थाना, डुमरी थाना, जारी थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां एसपी ने पुलिस वालों को निर्देश देते हुए कहा क्षेत्र से अपराध एवं उग्रवाद को नियंत्रण कायम रहे, इसके लिए पुलिस हमेशा सतर्क रहे, कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। हाल ही में नए एसपी के रूप में पद ग्रहण करने के बाद चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र का पहला दौरा था। चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र अत्यधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र का दौरा किया गया। साथ ही चैनपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को किसी भी तरह के मामले को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया। बताते चले हाल ही में नक्सलियों का एरिया कमांडर बुद्धेश्वर उराव को चैनपुर के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इसके बाद से इस क्षेत्र के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। एसपी ने कहा इन तीनों क्षेत्रों में अभी नक्सल एवं अपराध नियंत्रण में है, साथ पुलिस इन क्षेत्रों में सघन द्वारा जारी है। एसपी ने कहा क्षेत्र से उग्रवाद एवं अपराध को पूरी तरह खात्मा के लिए पुलिस तैयार है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आज आप जो दौरा किए, किस नातिक में था? आज तीन थाना का दौरा किया है, जिसमें डुमरी, जारी और चैनपुर थाना का औचक निरीक्षण करके यहाँ के पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिया। उग्रवाद प्रभावित है तीनों, तो इसमें अलर्ट रहने के लिए और सूचना संकलन पर जोर देने के लिए कहा गया है, और संतरी ड्यूटी और इन सबको अच्छे से रखने के लिए। ये नक्सल बारे में अभी क्या उग्रवादी का क्षेत्र है? अभी तीनों थाना में रिसेंट में कोई नक्सल की सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार सूचना संकलन कर रहे हैं, अभी किसी का आना जाना इधर नहीं है। इसके बारे में सर आप लोग क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं? हम लोग का एरिया डोमिनेशन रेगुलर ऑपरेशन चलता रहता है और चलता भी रहेगा, सीआरपीएफ के थ्रू, जिला पुलिस के थ्रू, और नक्सल जो भी है उसको नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन थाना में अभी दौरा हो रहा है सर? किस किस थाना में अभी दौरा आपका? डुमरी, जारी, चैनपुर। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।